Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Welcome to the online classes after your midterms. So, we are starting our second semester syllabus. Aaj hum second term ka syllabus start karenge. Starting from English alphabets, vowels and consonants. Aapka jo first topic hai wo kya hai? English alphabets, vowels and कॉन्सोनेंट्स. ओके, सो व्हाट यू नीड इज, आपको सेकेंड सेमेस्टर में क्या क्या यूज़ करना है मैं आपको पहले मटीरियल बताऊंगी, देन वी विल स्टार्ट द क्लास. सो लुक एट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर हैविंग दीज टू बुक्स. आपके पास एक तो है बुक एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की और एक है माई कॉम्प्रीहेंशन एंड कंपोजिशन की. ठीक है, आपके पास ये दो बुक्स हैं. ओके, अब आपने क्या करना है, आपने इन बुक्स के साथ साथ एक नोटबुक यूज करनी है. एक नोटबुक लगानी है जो कैसी होगी, जिसके पेजेस होंगे आपके ऐसे. फोर लाइन नोटबुक लगाओगे आप. ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी इंग्लिश अल्फाबेट्स पे. आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश अल्फाबेट्स, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि हमारी इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं विच आर 26 इन नंबर. ये जितने भी ए टू जेड अल्फाबेट्स हैं, दीज आर, मैं लिख रही हूं इन इंग्लिश, देयर आर 26 अल्फाबेट्स. कितने हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं. ठीक है, इंग्लिश में हमारे होते हैं 26 अल्फाबेट्स विच आर फ्रॉम ए टू जेड, ए से लेके जेड तक होते हैं. अब हम पढ़ते हैं कि इन 26 अल्फाबेट्स में से हमारे क्या करना है, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं. देखो, जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उनमें जो वोवल्स होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. क्या क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. और कॉन्सोनेंट्स होते हैं अल्फाबेट्स एक्सेप्ट वोवल्स. जो अल्फाबेट्स वोवल्स नहीं होते. ठीक है, तो इंग्लिश में होते हैं देयर आर 5 वोवल्स. कितने वोवल्स होते हैं, 5 वोवल्स, लाइक ए, ई, आई, ओ, यू. एंड देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21, ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़ के जो बाकी के वर्ड्स होते हैं, बाकी के लेटर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स. समझ आई क्या होता है, वेरी गुड. सो अब आपको पता लगा कि हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स क्या होते हैं, इंग्लिश में वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं. ठीक है,
ये था आपका फर्स्ट टॉपिक जो आपकी क्लास में यूज होना था. फर्स्ट क्लास में आपके यही फर्स्ट टॉपिक है जो यूज होगा. आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है? इंग्लिश में अल्फाबेट्स और कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, अब आपको ये क्या करने हैं, आपको अपनी नोटबुक में ये चीजें लिखनी है. फर्स्ट पेज दिस वन एंड सेकेंड दिस वन. ठीक है, फोर लाइन नोटबुक यूज करोगे पूरी तरह से. ठीक है, और आपको ये दोनों चीजें लिखनी है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.